गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 19 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। एडिटोरियल्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है आज की, दैट इज इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। जैसे कि हमें पता है कि COP15 जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कि साइन हुआ था 1992 अर्थ समिट में, तो उसका जो COP15 है, पहले उसकी वर्चुअल मीटिंग हुई, फिर बाद में उसकी चाइना में मीटिंग हुई। चाइना में जो मीटिंग हुई इन अक्टूबर, इट वाज इन 15th अक्टूबर, 14th to 15th अक्टूबर में चाइना में मीटिंग हुई। तो चाइना में जो मीटिंग हुई वो फेज़ वन मीटिंग थी, जिसमें हमने एक डेक्लेरेशन भी साइन किया, कॉन्विंग डेक्लेरेशन। उसके बाद जो अभी मॉन्ट्रियल कैनेडा में इसी मीटिंग का, COP15 का ही सेकेंड फेज चल रहा है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये COP15 बार बार नहीं हो रहा। COP15 एक का सेकेंड फेज है जो अभी चल रहा है, और COP15 का फर्स्ट फेज था, दैट वाज इन चाइना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, जिसमें कन्विंग डिक्लेरेशन था। इसमें क्या हुआ था, इट वाज अडॉप्टेड बाय 100 कंट्रीज एट द ऑनगोइंग 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। The adoption of declaration will create momentum for a new global biodiversity pact. जैसा कि हमें पता है कि जो CBD सब साइन हुआ था, तो CBD 1992 के बाद इन्होंने 2011 टू 2020 में आईशी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे, ओके, आईशी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे, 20 टारगेट्स थे। तो उन आईशी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का जो टाइम पीरियड था वो 2022 में कंप्लीट हो गया था। तो अब जो टर्म आई है आफ्टर 2020, बिकॉज वी आर इन 2022, तो अभी जो नेक्स्ट 10 ईयर्स का जो है उसको इन्होंने लिया है पोस्ट 2020, कि पोस्ट 2020 हम बायोडाइवर्सिटी में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इन द प्रीवियस एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान ऑन 2011 टू 2020 साइंड इन आईशी जापान इन 2010, गवर्नमेंट्स एग्रीड ऑन 20 टारगेट्स टू ट्राई टू स्लो बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड प्रोटेक्ट हैबिटेट्स बाय 2020। इसको हम एनवायरमेंट में करेंगे भी कि कौन से टारगेट्स हमने अचीव कर लिए, कौन से नहीं अचीव कर लिए, कौन से टारगेट्स थे। बट अभी आपको जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं पोस्ट 2020, जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इस कॉन्विंग में कुछ टारगेट्स इन्होंने लिए थे, दैट फर्स्ट वॉज 30x30 टारगेट। दिस डिक्लेरेशन मेड अ रेफरेंस टू 30x30 टारगेट, which is a key proposal being debated at COP15 that would afford 30% of earth's lands and oceans protected by 30x30, 30% land and ocean protect करेंगे हम by 2030। और एक बायोडाइवर्सिटी फंड था जिसमें चाइना ने प्लेज किया था कि वो $233 million के नाम के एक नया फंड बनाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा कन्विंग बायोडाइवर्सिटी फंड। तो ये दो, एक दो उस डिक्लेरेशन की, जो कन्विंग डिक्लेरेशन जो इससे पहले अक्टूबर में हुआ था, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम देखते हैं कि जो अभी इसका फेज टू हो रहा है, ओके, इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड, तो COP का फेज टू है इन मॉन्ट्रियल कैनेडा। एट द COP15 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल, द कंट्री सेड दैट डेवलपिंग नेशंस बियर मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टारगेट्स फॉर कंजर्वेशन एंड देयर फॉर। ये हमें पता है कि कोई भी क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो सभी में एक टसल है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, है ना, कि डेवलप्ड नेशंस ने ऑलरेडी अर्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। अब जब डेवलपिंग नेशंस के डेवलप होने का टाइम आया है, तब हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और हमारे ऊपर बर्डन है, डेवलपिंग नेशंस के ऊपर बर्डन है कि आप इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करो साथ साथ में। जबकि जब डेवलप्ड नेशंस ने ये काम किया, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, तब उनके ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं था। तो ये एक दोनों के बीच में कंटिन्यूस एक डिबेट चलता रहता है कि डेवलपिंग नेशंस ही, और ये बात ठीक भी है कि डेवलपिंग नेशंस बियर मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टारगेट्स फॉर कंजर्वेशन। सो अब डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हम इस हालात पे पहुंचे हैं आज की डेट में कि हमें ये बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर स्पेशल से कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं, स्पेशल से वो करना पड़ रहा है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस ड्यू टू देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज हमारे एनवायरमेंट को बहुत खराब कर दिया है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप्ड नेशंस है, बट काम किसको करना पड़ रहा है, डेवलपिंग नेशंस को करना पड़ रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि डेवलपिंग नेशंस दे बियर मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टारगेट्स एंड दे रिक्वायर एडुकेट फंड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द पर्पस। तो ये फंड्स कहाँ से आएंगे और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएंगी, ऑब्वियसली फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, ओके। देखो ये हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू क्रिएट अ न्यू एंड डेडिकेटेड फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट अ पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क, ठीक है। पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, नॉट टू द क्लाइमेट चेंज, नॉट टू द डेजर्टिफिकेशन। ये आपने ध्यान में रखना है,
to halt and reverse biodiversity laws. India has said that UN Biodiversity Conference in Canada's Montreal. Country said that conservation of biodiversity must be based on common but differentiated responsibilities. Common but differentiated responsibilities, वही बात कि सबकी responsibility है, इसमें कोई doubt नहीं है कि पूरे world में हर country का responsibility है to protect our environment, to protect the biodiversity and climate change. But ये responsibility same नहीं हो सकती, responsibilities are differentiated because सारी countries equally responsible नहीं है इस चीज़ को खराब करने में, तो साथ लेकिन ठीक करने में सारी कंट्रीज इक्वली शेयर करेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट वो सबने इक्वली खराब नहीं किया, तो इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन होके भी डिफरेंशिएटेड है. ओके, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फाइनलाइज नेगोशिएशंस फॉर अ पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. इसमें जो हमारा हुआ, देर इज अ नीड टू, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो कन्विंग डिक्लेरेशन वो तो चाइना ने प्लेज किया है टू 33 मिलियन डॉलर्स, लेकिन उस टाइम पे भी जब वो फंड अनाउंस हुआ था तब भी यही कहा जा रहा था कि इट इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इतने से फंड से कुछ भी नहीं होने वाला. तो इंडिया का ये कहना है कि देर इज अ नीड टू क्रिएट अ न्यू एंड डेडिकेटेड मैकेनिज्म फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो इन्होंने ये डिमांड किया है कि वहाँ पे एक अलग से फंडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. अभी जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हम आगे पढ़ेंगे. तो इन्होंने, इंडिया ने एक डिमांड किया है बायोडाइवर्सिटी फंड को लेकर. ओके, तो ये प्रीलिम्स में आपके लिए सारा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है ये है, और मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने ये जो डिमांड किया है फॉर बायोडाइवर्सिटी फंड का, कि क्या आप इससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ये फंडिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं. क्लियर. तो सीबीडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है कि इट वाज अडॉप्टेड एट रियो डिक्लेरेशन एंड द अर्थ समिट इन 1992, और जिनमें व्यूज ऑफ द डिफरेंट कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. लेकिन जो सीबीडीआर का प्रिंसिपल हम क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, सीबीडीआर इज एक्चुअली UNFCCC का ये दिया हुआ कोड है, ठीक है, जिसमें वो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस, उसमें आया था ये टर्म. लेकिन अगर हम इसको बायोडाइवर्सिटी पे भी अप्लाई करते हैं तो दोनों में डिफरेंस है. However, applying the CBDR principle to biodiversity conservation has not been straightforward as compared to climate regulations. क्योंकि जो climate वाला scene है उसमें सब agree भी कर जाते हैं countries ये CBDR का principle को follow करने के लिए, but biodiversity में ये follow नहीं करते. ये हम देखेंगे कि CBDR principle है क्या. उसके बिना कुछ और भी देखो, ऊपर वाली लाइन में क्या हुआ था कि discussions also held on eliminating subsidies. कुछ सब्सिडीज के ऊपर भी, कुछ ऐसी सब्सिडीज हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल सच एज सब्सिडीज फॉर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, कि सपोज हम ज़्यादा कोल, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं. एग्रीकल्चर के लिए जो सब्सिडीज हैं जैसे MSP एंड एवरीथिंग, फॉरेस्ट्री और फिशरीज के लिए जो सब्सिडीज हैं, तो इनको भी एलिमिनेट करने के लिए इसमें बात कही गई है. ओके, तो ये जो इसमें जो भी डिस्कशंस हुई हैं ये मेंस के लिए हैं, जो फाइनल डिसीजंस होते हैं वो आपके प्रिलिम्स के लिए होते हैं. ओके, थोड़ा सा हम इसकी और डिटेल देखते हैं. वाई COP15 इज इन न्यूज. यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डिलीवर्ड इंडियाज नेशनल स्टेटमेंट एट 15th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल कैनेडा. इट इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम गेट, इसका टाइम पीरियड है. द मिनिस्टर सपोज टू सपोर्ट द फाइनल स्टेजेस ऑफ रेगुनेशन ऑन पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. GBF इज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि आईशी टारगेट्स आर कंप्लीटेड. What is post-2020 Global Biodiversity Framework? It is a strategic framework built on the strategic plan जो 2011-2020 था उसी के ऊपर ये बनाया गया है. It is a new framework that will be global guiding force to protect nature and to retain its essential services from 2020 to 2030. पूरे एक decade का 10 years के लिए है. इसमें 4 goals हैं, goals and targets हैं. Goals आपको बहुत important याद रखने हैं. To halt the extinction and decline of biodiversity by 2050, to enhance the and retain the nature services, to ensure fair and equitable benefits to all. Okay, ये हम पहले भी करते हैं CBD में, Nagoya Protocol, to fair and equitable benefits, to close the gap between available financial and other means. Main जो financial issues हैं उसको close करना, these are the 4 goals. Okay, क्या क्या है, extinction को खत्म करना, नेचर के सर्विसेज को रिटेन करना, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म. क्या क्या टारगेट्स हैं इसमें, टू ब्रिंग एटलीस्ट, दीज आर द गोल्स. ओके, नाउ टारगेट्स, टू ब्रिंग एटलीस्ट 30% ऑफ लैंड एंड सी अंडर द वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरिया, 30/30 है ना. अब 50%, ये 2030 के टारगेट्स हैं, 50% ग्लोबल रिडक्शन इन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज,
वेरी इंपॉर्टेंट। इनवेजिव एलियन स्पीशीज हमें पता है कि जो हमारे नेटिव स्पीशीज नहीं होते वो क्या करते हैं, बाहर से आते हैं और आके हमारे यहाँ के स्पीशीज को डोमिनेट कर रहते हैं। ओके, रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स लॉस टू एनवायरनमेंट बाय एटलीस्ट हाफ एंड पेस्टिसाइड्स बाय एटलीस्ट 2/3 एंड एलिमिनेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये 2030 तक का एजेंडा है। रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स लॉस टू एनवायरनमेंट बाय एटलीस्ट हाफ, जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसको हाफ के वो करना, क्योंकि इसमें मतलब क्या आएगा, सॉइल कंजर्वेशन। पेस्टिसाइड्स बाय एटलीस्ट 2/3 एंड एलिमिनेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। नेचर बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स, रीडायरेक्टिंग, रीपर्पसिंग, रीफॉर्मिंग और एलिमिनेटिंग इंसेंटिव हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टारगेट्स। कनगिमंग हमने कर लिया। नेक्स्ट इज कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देर इज अ नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट देर आर डिफरेंसेज इन लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट बिटवीन ईस्ट स्टेट्स, राइट, है ना, कि ओके कि हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट अवर मदर नेचर, टू प्रोटेक्ट द अर्थ, बट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट इज नॉट सेम इन एवरी कंट्री, इट इज डिफरेंट बिटवीन ईच स्टेट। द प्रिंसिपल विद इन दिस UNFCCC रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, कि सब हम काम करेंगे लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज अलग हैं। क्लियर, सो दिस इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉट इज GEF, जो करंट अब हम अभी देख रहे हैं कि जो करंट अभी तो इंडिया ने तो बायोडाइवर्सिटी फंड का एक डिमांड किया है, लेकिन उससे पहले भी कुछ फंडिंग मैकेनिज्म तो है ही, जो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए फंड कर रहा है, तो उस फंडिंग मैकेनिज्म का नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू असिस्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड टू प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, द GEF वुड प्रोवाइड एडिशनल ग्रांट्स टू कवर द इंक्रीमेंटल और एडिशनल कॉस्ट। तो ये एक तरह का फंडिंग मैकेनिज्म है। GEF कौन कौन से कन्वेंशन को सर्व करता है, CBD वेरी इंपॉर्टेंट, UNFCCC को करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो एनवायरमेंट में ही परसिस्ट कर जाते हैं, डिग्रेड नहीं होते, तो उनके लिए कन्वेंशन है। तीन कन्वेंशन है ना BRS, तो उसमें से स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो GEF है। UNCCD फॉर डेजर्टिफिकेशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, तो ये फाइव इसमें वो हैं कन्वेंशंस जिसके लिए GEF जो है ग्लोबल आपका फंडिंग मैकेनिज्म है। क्या क्या करता है GEF, इट हेल्प्स टू, ये GEF की साइट का है, बायोडाइवर्सिटी, केमिकल्स एंड वेस्ट के लिए एडेप्टेशन, मिटिगेशन, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, लैंड डिग्रेडेशन एंड ओशंस। तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का टास्क है। क्लियर, ओके, तो नेक्स्ट न्यूज इज सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम 3 नेशंस। कुछ टाइम पहले एक न्यूज में था, दैट वॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसको लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, वो अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो पहले हम थोड़ा सा उस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक बिल आया था एंड उस टाइम पे ये कहा गया था द लैंडमार्क डे फॉर इंडिया एंड अदर आर नेशंस इथोस ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड। इसमें था क्या कि देयर वर एक्चुअली बेसिक 6 कम्युनिटीज, कौन कौन सी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। तो ये 6 कम्युनिटीज को अगर ये इन 3 नेशंस में से आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, 3 नेशंस का, कौन कौन से 3 नेशंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की 6 कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, तो अगर ये इंडिया में मूव हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, कि इनको इनके रिलीजन की वजह से वहां पे परेशान किया गया और इस वजह से ये इंडिया में मूव हुए, बिफोर दिस डेट 31st, और इस डेट से पहले पहले ये इंडिया में मूव हुए हैं, तो इनको सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा। लेकिन सिटीजनशिप ग्रांट करने का ये मतलब नहीं है कि वो 31st 2014 को आए और उसी दिन उनको सिटीजनशिप मिल गया। नो, इसका एक था कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझो कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा अगर वो 11 ईयर्स तक इंडिया में रहेगा। ओके, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, किसी भी कंट्री से हो सकता है, अगर वो 11 ईयर्स तक इंडिया में रहा है, ठीक है, वो एक एक्चुअली 14 ईयर्स का लेते हैं कि अच्छा इन पिछले आज से अगर हम आज से 2022 से देखें कि अच्छा पिछले 14 सालों में से 14 ईयर्स में से अगर वो 11 ईयर्स इंडिया में रहा है तब वो हम उसको सिटीजनशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ग्रांट करने के लिए कंसिडर करती है। दिस इज द एक्ट ऑफ
जो हमारा नॉर्मल एक्ट है 1955 जिसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप दिया जाता है, क्योंकि कई लोगों ने जब ये एक्ट आया तो उसको क्रिटिसाइज किया कि इसमें तो हम फिर आप किसी और को सिटीजनशिप दे ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल एक्ट है। आप 11 ईयर्स तक रहो इंडिया में, लास्ट के 14 ईयर्स में से अगर आप 11 ईयर्स इंडिया में रहे हो तब आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन इन फॉर दीज सिक्स कैटेगरीज, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, और वो भी सिर्फ इन तीन नेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से जो आए हुए हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 11 ईयर्स वाला क्राइटेरिया को कम कर दिया 5 ईयर्स। ओके, तो 2019 में भी लाया था, 2014 वाला डेट रखा गया था कि अगर आप हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी हो और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान किसी भी एक कंट्री से बिलोंग करते हो और अगर आप इंडिया में 5 साल के लिए रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप जो है आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी हो फ्रॉम म्यांमार फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम श्रीलंका या फ्रॉम कोई भी और कंट्री, तब आप सिटीजनशिप के लिए तब एलिजिबल होगे जब आप 11 इयर्स के हो। अगर आप मुस्लिम हो फ्रॉम किसी भी कंट्री से, तब आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगे जब आप 11 इयर्स इंडिया में रह लोगे। तो ये सिक्स, सिर्फ ये सिक्स कैटेगरीज और ये तीन कंट्रीज के लिए इस बिल में लाया गया था। ओके, बट ये बिल जो है अभी पास, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इंडिया पे, अभी इसको ऐसे बिल के एक्ट बना के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ओके, तो ये किस किस पे अप्लाई होगा? स्टेट्स विद ILPs एंड एरिया अंडर सिक्स शेड्यूल इन नॉर्थ ईस्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम द न्यू लॉ। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ की थी बांग्लादेश वाली की, असम अकॉर्ड वाली की, बांग्लादेश जब 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे कुछ लोग माइग्रेट होके असम में आ गए, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये इशू चला हुआ है कि आप इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे सकते। तो उस उन एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। सिक्स शेड्यूल में हमें पता है कि कोई भी एक्ट, अगर आपको नहीं आता तो पुरानी वीडियोस जाके देखो, सिक्स शेड्यूल में बोलते हैं कोई भी एक्ट डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सिक्स शेड्यूल में एक्ट जो है इम्प्लीमेंट होगा आफ्टर द गवर्नर्स परमिशन, गवर्नर उसको चेक करेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्ट कई बार आपको न्यूज़ में आ सकता है, पेपर में पूछते हैं कि पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, नहीं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सिक्स शेड्यूल एरियाज। ओके, कुछ और इसके बारे में देखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2011, द बिल सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय सीकिंग टू ग्रांट सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम, दैट इज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कट ऑफ डेट वॉज 31st 2014। कुछ दो, एक दो और एक्ट्स में भी थोड़ा सा चेंज किया गया था, फॉरनर्स एक्ट 1946 एंड इलीगल माइग्रेंट एक्ट में। द बिल शेल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एज सिक्स शेड्यूल। और कुछ एरिया में इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट क्या होता है कि अगर आपको भी, सपोज बींग एन इंडियन सिटीजन भी, अगर आपको उस एरिया में जाना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, ड्यू टू दैट ट्राइब्स का, कि ट्राइब्स का इशू है कि आप उनको वहाँ, उनकी प्राइवेसी का इशू है, तो इस वजह से कुछ एरियाज में ILP जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे किया गया था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड के कुछ एरियाज में। ओके, तो ये इस एक्ट में था। तो अभी हुआ क्या है, इस सबसे पहले इधर आओ, CAA नॉट येट इन फोर्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दैट इंटेंड्स टू ग्रांट सिटीजनशिप टू अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट फ्रॉम सिक्स नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज फ्रॉम द थ्री नेबरिंग कंट्री इज येट टू कम इन टू फोर्स। ओके, इट इज येट टू कम इन टू फोर्स एज द रूल्स दैट गवर्न द लॉ आर येट टू बी नोटिफाइड। तो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने ये कहा है कि सिटीजनशिप पार्ट टू बी ईज फॉर सिक्स माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम थ्री नेशंस, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी अलाउड टू प्रोड्यूस एक्सपायर्ड पासपोर्ट, वीजाज, ठीक है। कैसे, देखो इसमें क्या है, द होम मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीवैम्प द सिटीजनशिप पोर्टल टू एक्सेप्ट पासपोर्ट एंड वीजाज विद एक्सपायर्ड वैलिडिटी एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो पहले नहीं होता था ये, जो इनके एक्सपायर हो चुके हैं पासपोर्ट्स और वीजाज उनको एज अ सिटीजनशिप के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब इसको कंसिडर ये कर सकते हैं। ओके, फॉर हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन, द पोर्टल रन बाय द मिनिस्ट्री करंटली एक्सेप्ट्स एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली फॉर दोज हिंदूज एंड सिख एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सिर्फ हिंदूज एंड सिख्स के लिए किया जाता है, अब ये क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन के लिए किया जाएगा और बांग्लादेश के लिए भी किया जाएगा। ओके, तो ये इनका प्रपोजल है कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर, आप एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, दैट इज मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुर्मुगाओ कमीशन इंडो इंडियन नेवी।
इसके लिए आप ये चीज समझो कि एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B के अंडर, ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट 15B कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है क्या। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर शिप्स अंडर प्रोजेक्ट 15B वो साइंड इन 2011। ओके, इससे पहले जो शिप्स थी वो थी कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ओके, दे आर अ फॉलो अप ऑन द कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स। तो ये जो प्रोजेक्ट 15B है, ये उन कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है। तो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, आपको पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट 15B, इट इज रिलेटेड टू शिप्स। ओके, और इसमें ये कोलकाता क्लास, इससे पहले कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स थे, अब प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, और इसमें फोर शिप्स तैयार करनी है, एंड दे ऑल आर नेम्ड आफ्टर मेजर सिटीज फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, विशाखापट्टनम, मुरमगांव, इम्फाल एंड सूरत। जिसमें से INS विशाखापट्टनम जो है, इट वॉज कमीशन इन 2021, और जो इम्फाल और सूरत हैं अभी उनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, और मुरमगांव का हमने देखा कि ये हो चुका है कमीशन। ओके, INS विशाखापट्टनम वॉज कमीशन इन 2021, इम्फाल एंड सूरत आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ आउटफिटिंग एंड ट्रायल्स। अब हम इसके बारे में देखते हैं, INS मुरुमुगाव, द वॉरशिप विद फुल लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7400 टन इज नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ मुरमुगाव ऑन द वेस्ट कोस्ट। इट इज प्रोपेल्ड बाई फोर पावरफुल गैस टर्बाइन्स, हैज एन एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स। स्टेल्थ फीचर्स क्या होते हैं? इनविजिबल हो जाना, ठीक है, स्टेल्थ फीचर्स का मतलब इनविजिबल हो जाना, कि ये कोई भी एनिमी उसके उसमें नहीं आएंगे, ठीक है, एंड इज इक्विप्ड विद द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स। देखो, INS मुरमुगांव द सेकेंड ऑफ फोर स्टेल्थ क्लास, ठीक है, जो इसका फीचर है स्टेल्थ, दैट इज इनविजिबल हो जाना, मिस्टर इंडिया टाइप मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बीइंग बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 15B। इसमें जो जो बातें आपको याद रखनी है वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। विद ओवर 95% ऑफ इंडिजीनियस कॉन्टेंट है इसमें, इट विल मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ आर कंट्री एंड ऑफ आर फ्रेंडली कंट्रीज। ओके, और इसमें हमने एक चीज और नोट करी कि इट इज इक्विप्ड विद ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने डिस्कस की थी कि क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो अर्थ की, क्रूज मिसाइल्स को हम लास्ट तक टारगेट करते हैं क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं जाती, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थी वो एक बार अर्थ की ग्रेविटी को, अर्थ के एटमोसफियर से बाहर जाके दोबारा से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अर्थ में एंटर करती हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो पाथ है वो लॉन्ग पाथ होता है, क्रूज का कम होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम एंड तक टारगेट नहीं कर सकते, एंड तक ट्रैक नहीं कर, मतलब टारगेट नहीं कर सकते। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स के साथ ये इक्विप्ड है। ओके, तो प्रोजेक्ट 15B एंड विशाखापट्टनम, मुरमगांव, इम्फाल, सूरत, व्हाट इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज द स्टेल्थ फीचर्स। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके बिना कुछ और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे नेवी के, प्रोजेक्ट 75 जिसमें कि हम बनाने वाले हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले सबमरीन्स। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक विदाउट ऑक्सीजन वाटर के नीचे रह सकें, तो ऐसा हम एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट 70, आप देखो इसमें प्रोजेक्ट 75 में कौन कौन से, उसमें भी सिटीज़ के नाम या पोर्ट्स के नाम होंगे, आइलैंड्स के नाम होंगे, कि कौन कौन से सबमरीन्स हो चुके हैं इक्विप्ड, एंड सेम गोज विद प्रोजेक्ट 75। इसमें हम करने वाले हैं स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन, तो इनको जाके देखो और कौन कौन से इंडक्ट हो चुके हैं, कौन कौन से होने वाले हैं, ये आप इसमें से ऐसे रिवाइज करो। क्लियर। अब थोड़ा सा हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देख सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO एंड रशिया। हमें पता है कि ये दो रिवर्स को मिला के बना हुआ है नाम, ब्रह्मपुत्र इंडिया का रिवर, मॉस्क रिवर रशिया का, तो ये बनी हुई है। इसमें द मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड। अभी हमने देखा शिप्स पे है। इट इज नोटेबली वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। इट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल करंटली इन ऑपरेशन। द लैंड लॉन्च्ड एंड शिप लॉन्च्ड वर्जन आर ऑलरेडी इन द सर्विस। तो अभी इसका एक अपडेटेड वर्जन भी वो हुआ है। हाँ, इसमें एक एक्चुअली ट्रिटी था इंडिया का, MTCR ट्रिटी, उसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो इसमें जो दोनों के बीच में मीटिंग थी उसमें अलग क्राइटेरिया थे, उसके बाद में वो चेंज हो गया था, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये DRDO और रशिया मिलकर इसको बना रहे हैं, और इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, फ्रॉम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड से, एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इन द वर्ल्ड एंड फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स। क्लियर। नेक्स्ट है एक न्यूज़ है कि डीफेक टेक्नोलॉजी, हाउ एंड वाई चाइना इज प्लानिंग टू रेगुलेट इट।
अब चाइना इसको क्या कर रहा है, ऑब्वियसली ये हमारा मतलब हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वॉट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी ये हमें पता होना चाहिए. ओके तो डीप फेक टेक्नोलॉजी एक बड़ी टेक्नोलॉजी का पार्ट है. डीप फेक इज अ सब पार्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल डीप सिंथेसिस. देखो डीप सिंथेसिस इज डिफाइंड एज यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डीप लर्निंग एंड ऑगमेंटेड रियालिटी टू जनरेट टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो वीडियो टू क्रिएट वर्चुअल सीन्स. वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज डीप फेक वेयर सिंथेटिक मीडिया इज यूज टू स्वैप द फेस. आप जैसे अभी हमारी वीडियो है इसके ऊपर आप किसी और का फेस लगा दो और वॉइस, या किसी और का वॉइस लगा दो, ठीक है, मेरे फेस की जगह किसी और का वॉइस है और किसी और का फेस है या वॉइस है, तो वो होगा डीप फेक. वेयर सिंथेटिक मीडिया इज यूज टू स्वैप द फेस और वॉइस ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर. इट इज यूज टू जनरेट सेलिब्रिटी पॉर्न वीडियोज, प्रोड्यूस फेक न्यूज एंड कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड अमंग अदर रॉन्ग डूइंग्स. दे आर अ कंपाइलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियो पुट टूगेदर विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिप्लेस अ रियल पर्सन अपियरेंस वॉइस और बोथ विद सिमिलर आर्टिफिशियल लाइकनेसनेस और वॉइसेस. ओके उसकी वॉइस को आप रिप्लेस करके कुछ और कर दोगे, फेस को रिप्लेस करके कोई और फेस लगा दोगे. इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड इट कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिडंट से और डू. तो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये. द टर्म डीप फेक ओरिजिनेटेड इन 2017 व्हेन एन एनोनिमस रेडिट यूजर कॉल्ड हिमसेल्फ डीप फेक. द यूजर डीप फेक्स रिप्लेस रियल फेसेस विद सेलिब्रिटी फेसेस. इट इज नाउ बींग यूज फॉर पर्पसेज लाइक स्कैम्स, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, इलेक्शन मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी. ओके तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज हो रहा है. तो चाइना ने अभी इसके लिए लॉ बनाया है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं उनको इस चीज़ को उस लॉ के है कि डीप सिंथेसिस सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स टू इंश्योर दैट एनी डॉक्टर्ड कंटेंट यूजिंग द टेक्नोलॉजी इज एक्सप्लिसिटली लेबल्ड एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सोर्स. ओके तो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन ने भी एक लॉ बनाया है एंड यूएस ने भी एक इसके ऊपर लॉ बनाया है. ओके तो अभी इसमें यही है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी एंड इसको कहाँ कहाँ पे मिसयूज किया जा सकता है. क्लियर. नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज ऑन एसटी लिस्ट स्टिल ऑन द बैक बर्नर. ये भी हमने सैटरडे को आई थिंक डिस्कस किया था कि एक जो हिमाचल की हत्ती कम्युनिटी है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, इंक्लूड किया है एसटी लिस्ट में, तो उसका क्या प्रोसीजर था मैंने आपको बताया था. ठीक है याद करो, इसका ये प्रोसीजर था कि कोई भी अगर शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड करना हो लिस्ट में तो हमें पता है कि आर्टिकल 342 के अंदर इट कैन बी डन ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी है. लेकिन उसके लिए प्रोसीजर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से स्टार्ट होता है. स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल भेजेगा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री उसको सेट करके नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के पास भेजेगी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब फिर किसको भेजेगा, स्टेट को, और स्टेट से देन इट विल बी टू स्टेट से सॉरी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब भेजेगा कैबिनेट को और फिर ये फाइनलाइज होगा. तो ये कई सारे शेड्यूल ट्राइब्स को इंक्लूड करने की बातें की जाती हैं और हमने देखा कि कोई क्राइटेरिया फिक्स क्राइटेरिया है क्राइटेरिया बट इट इज़ नॉट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो हमारा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था, आप पुरानी वीडियो में जाके चेक कर लेना. इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज ऑन एसटी लिस्ट स्टिल ऑन द बैक बर्नर. इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाया था 2014 में अंडर ट्राइबल अफेयर सेक्रेटरी ऋषिकेश पांडा के अंडर. तो वो उस टास्क फोर्स ने रिपोर्ट दिया है और उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको हमें एसटी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए. ओके तो ये टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स का आपको वैसे तो कमिटीज़ का पूछ सकते हैं लेकिन टास्क फोर्स का आपको पूछ भी सकते हैं कि वो किसके अंडर बनाया गया था, आप इसको एक बार देख लेना. लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आपको याद करना चाहिए वो है ये ट्राइब्स. तो आपको ट्राइब्स और स्टेट्स जो हैं मैच करने के लिए किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये ट्राइब्स एक तरह से ऐसे न्यूज़ में आ गई है ना. तो कांधा, कुंभार, जोड़िया, चुतकिया, सारा, मानकीडिया ये किस में हैं, ये किसकी ट्राइब्स हैं, पहाड़िया कम्युनिटीज़ आर वंस इन उड़ीसा, तमिलनाडु के पुलायन कम्युनिटीज, आंध्र प्रदेश में कोंडा कुमारीज. ओके तो आप इनको ऐसे स्टेट और ट्राइब्स का आपको मैच करने के लिए आ सकते हैं, इनको याद रखो. उसके बिना इस टास्क फोर्स ने ये भी कहा है कि जो टी ट्राइब्स हैं असम के ऊवर ट्रीटेड एज इंटेंडेड लेबर्स, ठीक है, कि अलग स्टेट से बिहार, झारखंड से, उड़ीसा से एज एन इंटेंडेड लेबर लाए गए थे उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हमारे उसमें नहीं बताया गया कि किस किस को हमारा मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है तो किसको करना है किसको नहीं करना, ये जस्ट सजेशंस हैं. तो सजेशंस आप
मेंस के लिए यूज कर सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। प्रिलिम्स के लिए आपको ये कम्युनिटीज याद रखनी है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सजेशंस ले सकते हो, और अगर आप ये टास्क फोर्स का मेंशन देके बताओगे कि उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है, तो आपका एक बहुत ऑथेंटिक आंसर जो है वो बन जाएगा। उसके बिना कुछ और भी कम्युनिटीज इसमें मेंशन की गई हैं छत्तीसगढ़ की, भारिया, पांडो, गढ़वा, बुनिहार, इनको भी आप याद करोगे। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ है, उसमें कुछ कुछ जो हमारे कुछ ऑफेंसेस थे जो जीएसटी लॉ के अंडर, उनके बारे में बात हुई, उनको डाइल्यूट किया गया है। तो ये है, तो इसको मैंने जो जो हाईलाइटेड पोर्शन है उनको मैंने अलग से कट किया है, तो हम यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो जस्ट क्या है, द 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन डिसम्बर 17। द जीएसटी काउंसिल चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिकमेंडेड टू डीक्रिमिनलाइज सर्टन ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 132 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज एक्ट 2017। कुछ ऑफेंसेज को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है। वाइल सेक्शन 122 टू 131 ऑफ दिस एक्ट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनल्टीज। इसमें दो तरह के ऑफेंसेज हैं, एक तो है कि जो आप पेनल्टीज से डील करते हैं, और एक है क्रिमिनल। ओके, तो एक तो है क्रिमिनल आपके ऑफेंसेज, और एक है जो नॉर्मल आप मतलब ऐसे फाइन वगैरह वाले हैं। तो दो तरह के हैं, इट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनल्टीज, और सेक्शन 132 टू सेक्शन 38 कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग। कौन कौन से आपके क्राइम्स हैं या कौन कौन से ऑफेंसेज हैं जो इसके अंडर आते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड है ना, टैक्स इवेड करना, एंड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट इम्प्रॉपरली क्लेम्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जब आपने कहीं पे जीएसटी पे कर दिया, सपोज करो मैंने कहीं पे मैंने कोई एक सर्विस ली, उसके लिए मैंने सपोज एक एसी खरीदा, और मैंने उस एसी के लिए जीएसटी जो है पे किया, ठीक है, उसके लिए मैंने 200 रुपीज़ जीएसटी पे किया। अब उस एसी को मैं अपनी कंपनी में लगा रही हूँ, जो कंपनी आगे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करती है, ठीक है, तो वो मैंने एसी अपनी कंपनी के यूज़ के लिए लिया और कंपनी भी जीएसटी पे कर रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उस कंपनी के बिल के ऊपर उस एसी का जो है इनपुट टैक्स जो है वापस ले सकती हूँ, उसको शो कर सकती हूँ कि इसको तो मैंने गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया और वहाँ पे भी मैं जीएसटी पे कर रही हूँ, तो दो बार टैक्स हो गया, तो मैं गवर्नमेंट जो है मुझे वो 200 रुपीज़ टैक्स जो है वापस करेगी, और इस टैक्स को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले हमने टैक्स दे दिया, अगर हमने उसको कहीं ऐसी एक्टिविटी में यूज़ किया है जो अगेन जीएसटी पे कर रहा है, तो हम उस टैक्स को दोबारा से गवर्नमेंट से ले सकते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर मैंने उसको घर में लगाया एसी को, तब कोई मुझे इनपुट टैक्स वापस नहीं मिलेगा, दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर मैंने इसको गलत तरीके से शो किया है, तब वो भी एक ऑफेंस है। इम्प्रॉपरली क्लेम्ड और यूज्ड, और द अमाउंट ऑफ रिफंड इम्प्रॉपरली क्लेम्ड डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द प्रिजन सेंटेंसेस। तो ये कुछ है, तो इनमें बहुत सारे ऐसे क्राइम्स थे जिनको क्रिमिनल वो किया गया था। तो अब ये जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने काफ़ी सारे क्राइम्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ऐसा क्यों? इम्पोजिंग पीनल प्रोविजन इन एन एम्बिगुअस इकोसिस्टम सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्स हाउ बिजनेसिस परसीव रिस्क। हमें पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आता था, तो उसमें था कि ये रिस्की है, फिर बिजनेसेस जो हैं वो रिस्क, इंडिया में बिजनेसेस थोड़ा इसको एज अ रिस्क लेंगे तो काम नहीं करेंगे, एंड अनसर्टेनिटी है, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग देयर एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस। द लॉ ऑलरेडी कंटेन सफिशिएंट पेनल्टीज दैट सर्व एज अ डेटरेंट अगेंस्ट टैक्स इवेजन। इन्वेस्टर्स मे बी डिस्करेज्ड बाय फियर ऑफ क्रिमिनल सैंक्शंस इन स्मॉल एंड ट्रीवियल मैटर्स के ऊपर। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है इसको डाइल्यूट किया गया है, ठीक है। द जीएसटी लॉ प्रोवाइड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेनल्टीज, दे मे बी बोथ करंट एंड साइमल्टेनियस, ठीक है। एक तो है मॉनिटरी फाइन्स, एंड सेकेंड पेनल्टीज क्रिमिनल पेनल्टीज। ओके, तो ये वही है अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, ये सब बातें। ओके, एंड वट हैज़ बिन रिकमेंडेड टू डीक्रिमिनलाइज जी एस टी ऑफेंसेज, रेजिंग कुछ था कि जैसे पहले अगर आप जी एस टी मिनिमल थ्रेशोल्ड टैक्स अमाउंट है, अगर आप 1 करोड़ का वो करते हो तब आपको उसको क्राइम डील किया जाएगा, लेकिन अब इन्होंने बोला कि नहीं वो 2 करोड़ कर दो, तो ऐसे कुछ इन्होंने लिमिट्स जो हैं इसमें बढ़ा दी हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल आपको ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ये मॉनेटरी फाइन्स और क्रिमिनल पेनल्टीज होती हैं, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सब बातें। कुछ और चीज़ें भी रिकमेंड की गई थी कि एक तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होते हैं कि जैसे सपोज करो किसी ने किसी रियल स्टेट फर्म से घर खरीदना है, तो अब वो घर ले रहा है, अब उसने उसके साथ डील भी साइन कर ली, लेकिन वो प्रोजेक्ट बीच बिचाले ही बंद हो गया, ठीक है, बीच में ही आके बंद हो गया। अब उस पर्सन ने जो कोई वो एक्स वाई जेड पर्सन था जिसको वो घर खरीदना था, वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है,
तो लेकिन उसने पे तो कर दिया, ठीक है, उसने थोड़ा बहुत तो पे किया होगा उस रियल एस्टेट को घर खरीदने के लिए, उसने जीएसटी भी पे किया होगा, लेकिन वो बंदा कहीं किसी पोर्टल पे रजिस्टर तो है नहीं, वो तो एक नॉर्मल बंदा है, तो अब वो क्या करे, वो कहाँ से अपना ये जो क्लेम करे, तो उसके लिए भी इन्होंने एक रिकमेंडेशन बनाई गई है। देयर वॉज नो प्रोसीजर फॉर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स बॉर्न बाय अनरजिस्टर्ड बायर्स इन केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट हाउस एंड लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज कैंसल्ड, कैंसल हो गया। अब वो तो एक नॉर्मल बेचारा सा बंदा, उसने तो किसी पे ट्रस्ट करके ऐसे ले लिया, लेकिन प्रोजेक्ट बीच में कैंसिल हो गया, तो अब उसके लिए भी इन्होंने प्रोसीजर जो है बनाया है, ठीक है। उसके बिना कुछ जो स्मॉल आपके डीलर्स हैं हु आर अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स टू मेक इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, उनको भी लिए भी कुछ प्रोविजन इसमें किए गए हैं। क्लियर? वॉट इज जीएसटी काउंसिल, एक बार हम देख लेते हैं। इट इज अ ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड द स्टेट। इट विल फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमने देखा, एंड विल हैव मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज एज द मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्टेट के मेंबर्स होंगे, यूटीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन कौन करेगा, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। द काउंसिल विल एक्ट एज अ बेंचमार्क एंड इट विल गाइड द स्टेट्स एंड यूनियन ऑन इश्यूज लाइक टैक्स रेट्स, एग्जम्पशन लिस्ट, थ्रेशोल्ड लिमिट। सेंट्रल गवर्नमेंट शिल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स एंड द वोट्स ऑफ द स्टेट्स जो कितने होंगे, दैट विल बी 2/3। तो सेंटर का 1/3 और स्टेट्स का कितना शेयर है, 2/3, ठीक है जी। तो ये थी आज की न्यूज़, ठीक है, अब हम एडिटोरियल्स के लिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।